गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट. टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 6.2 डिवीजन. क्या करेंगे बच्चों आज हम डिवीजन क्या करेंगे डिवीजन. क्वेश्चन है फर्स्ट डिवाइड द फॉलोइंग एंड फाइंड द क्वेश्चन. क्वेश्चन है हमारा 1A 21 डिवाइड 7 यानी कि 7 का 21 में हमको टेबल पढ़ना है बच्चों. इससे भली कम हो लेकिन इससे ज्यादा हमको टेबल नहीं पढ़नी है. तो 7 की टेबल या फिर पूरा 21 में देना है. तो 7 की टेबल 21 में 7 वन जा 7 7 टू जा 14 7 थ्री जा 21 कितना आ गया 21. सब टैक करेंगे 1 में से 1 माइनस किया 0 2 में से 2 माइनस किया 0. तो हमें क्वेश्चन ज्ञात करना है. तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 3 कितना आया 3. अगला है बी 15 डिवाइड 3 यानी कि 3 की टेबल 15 में पढ़नी है. 3 वन जा 3 3 टू जा 6 3 थ्री जा 9 3 फोर जा 12 3 फाइव जा 15 कितना आ गया 15. 5 में से 5 माइनस करे 0 1 में से 1 माइनस किए 0 तो कितना क्वेश्चन आ गया हमारा 5 कितना आ गया 5. सी क्या करेंगे हम क्वेश्चन नंबर सी 24 डिवाइड 6 यानी कि 6 की टेबल 24 बार पढ़नी है हमको. 6 वन जा 6 6 टू जा 12 6 थ्री जा 18 6 फोर जा 24 कितनी बार गया 4 टाइम 24 की 24 आ गई. सब ट्राई करेंगे 4 में से 4 माइनस किया 0 2 में से 2 माइनस किया 0 तो कितना क्वेश्चन आ गया हमारा 4. डी 16 डिवाइड 4 तो यानी कि 4 की टेबल 16 में पढ़नी है. 4 वन जा 4 4 टू जा 8 4 थ्री जा 12 4 फोर जा 16 कितने टाइम गया. तो उसको तो यहां लिखेंगे जितने टाइम जा रहा 4 टाइम 16 की 16 आ गई. 6 में से 6 माइनस करे 0 1 में से 1 माइनस किया 0 कितना क्वेश्चन आ गया हमारा 4. ई ये हमारा 99 डिवाइड 3 9 की. अब देखिए बच्चों 99 हमारा 3 की टेबल में नहीं है तो हम 1 डिजिट से करेंगे. खाली किससे करेंगे 1 डिजिट से. तो 3 की टेबल 9 बार 3 वन जा 3 3 टू जा 6 3 थ्री जा 9 3 बार गया 9 आ गया. सबट्रैक करेंगे अब हम 9 में से 9 माइनस करें 0. अब इस 9 को क्या करेंगे हम नीचे उतारेंगे यहां 3 की टेबल 9 में 3 वन जा 3 3 टू जा 6 3 थ्री जा 9 कितने टाइम गया 9 बार. सबट्रैक करेंगे 9 में से 9 माइनस किया तो 0 तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 33 कितना आया हमारा क्वेश्चन 33. अब करेंगे एफ क्वेश्चन नंबर एफ 42 डिवाइड 6 6 की टेबल 42 में 6 वन जा 6 6 टू जा 12 6 थ्री जा 18 6 फोर जा 24 6 फाइव जा 30 6 सिक्स जा 36 6 सेवन जा 42 कितने टाइम गया 7 बार 42 की 42 आ गया. 2 में से 2 माइनस किया 0 4 में से 4 माइनस किया 0 हमारा क्वेश्चन कितना आ गया 7. अब है जी कितना है हमारा जी जी है हमारा 20 डिवाइड 5 5 की टेबल 20 में 5 बन जा 5 5 टू जा 10 5 थ्री जा 15 5 फोर जा 20 5 फोर जा 20 कितने टाइम गया 4 टाइम 0 में 0 माइनस 2 में से 2 माइनस तो कितना बचा क्वेश्चन एच एच है हमारा 35 डिवाइड 7
सेवन की टेबल 35 में, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा 14, सेवन थ्री जा 21, सेवन फोर जा 28, सेवन फाइव जा 35, सेवन सिक्स जा 42, सेवन सेवन जा 49, सेवन सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा 14, सेवन थ्री जा 21, सेवन फोर जा 28, सेवन फाइव जा 35, कितने टाइम गया? फाइव बार। फाइव में से फाइव माइनस किया जीरो, सिक्स में से सिक्स माइनस किया तो जीरो, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया? फाइव आई आई है हमारा 63 डिवाइड 7, 7 की टेबल 63 में, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 फोर जा 28, 7 फाइव जा 35, 7 सिक्स जा 42, 7 सेवन जा 49, 7 एट जा 56, 7 नाइन जा 63, कितने टाइम गया? 9 टाइम। 3 में से 3 माइनस किया 0, 6 में से 6 माइनस किया 0, तो क्वेश्चन कितना आ गया हमारा? कितना आ गया क्वेश्चन हमारा? 9। कितना आ गया? 9। जे 81 डिवाइड 9, 9 की टेबल 81 में, 9 वन जा 9, 9 टू जा 80, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 41, 9 सिक्स जा 51, 9 सेवन जा 60, 9 एट जा 72, 9 नाइन जा 81, कितनी टाइम गया? 9 बार। 81 की 1 में से 1 माइनस किया तो 0, 8 में से 8 माइनस किया तो 0। बच्चों एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहूंगी, देखिए जैसे हमको अपना आंसर चेक योर आंसर कहते हैं, किसको? वो देखिए आप, चेक योर आंसर, वो मैं आपको सिखाना चाहूंगी कि हमें अपना डिवाइड खुद ही हम चेक कर सकते हैं उस तरीके से। देखिए पहले एक सवाल ये करा देती हूं मैं, के नंबर का सवाल, 154 डिवाइड 7, तो देखिए 154, तो देखिए 154 हमारी टेबल में है ही नहीं 7 की में, तो हम किससे करेंगे 7 का डिवाइड? 54 में, किसमें देंगे? 54 में, किसमें देंगे? तो इससे कम हो, इससे ज्यादा ना हो, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 7 थ्री जा 21, ज्यादा होगा हो जाएंगे 15 से, तो हम 2 पे ही रुक जाएंगे, 7 टू जा 14, कित पे रुक गए? 14 में, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 में से 1 माइनस किया 0, अब ये 4 रह गया, इसको नीचे उतार देंगे, 7 की टेबल 14 में, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14, 4 में से 4 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, तो हमारा क्वेश्चन कितना आ गया? 22। अब हमें अपना डिवाइड जैसे चेक करना है, तो जिसको कहते हैं चेक योर आंसर, तो वो हम कैसे चेक करते हैं वो देखिए, वो सीखिए आप, एक रफ वर्क में आपको चेक करा रही हूँ, सिखा रही हूँ चेक योर आंसर करना, यानी कि इसका और इनका क्या कर देते, मल्टीप्लाई करते, और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर अगर ये आ रहा है 154, मल्टीप्लाई का आंसर कितना आ रहा है 154, तो हमारा डिवाइड बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए 22 मल्टीप्लाई 7, 7 की टेबल 2 है, 7 वन जा 7, 7 टू जा 14 की 4 कैरी 1 आ गई, 7 टू जा 14, 14 में 1 ऐड करा 15, तो देखिए हमारा मल्टीप्लाई का आंसर आ रहा है 154, और हमारे डिवाइड का आंसर भी कितना है 154, इसका मतलब हमारा ये जो डिवाइड है वो बिल्कुल करेक्ट है। आज मैं बच्चों आपको इतने ही कराऊंगी डिवाइड के तक, अपना होमवर्क नोट कीजिए, टुडेज होमवर्क, राइट डाउन इन योर नोटबुक, राइट डाउन इन योर नोटबुक। थैंक यू।